good morning student i am kulender kumar sir i hope that you will very well in your house with your family members students in the previous last class we have discussed about the plant so now continue the topic again students you also enjoy in the school as well as the park areas with your friends and You had got a lot of fun। आप बहुत सारे मस्तियां करते हैं अपने दोस्त के साथ खेल करके तो यहाँ भी कुछ बच्चे हैं इस टॉपिक में जो प्लान फेरी बनती है वो किस तरह से वो मस्ती करती है उसके बारे में आइए जानते हैं लास्ट संडे वी वेंट टू ए गार्डन इन द नेबरहुड ने अंतिम रविवार को वी वेंट टू ए गार्डन हम लोगों ने एक बगीचे में गया कहाँ इन द नेबरहुड बगल के आसपास के जो है पड़ोस के जो बगीचा है वहाँ पर हम लोगों ने गया वी फ्लेट हैड एंड सिक छुपम छुपाई हम लोगों ने वहाँ पर क्या खेले हैड एंड सिक खेले छुपम छुपाई खेले एंड अंतराक्षरी खेले अंताक्षरी यूर नो ऑल्सो अबाउट हिंदी अंतराक्षरी एंड इंग्लिश अंतराक्षरी बहुत आप जानते हैं कोई भी अंत का अक्षर से शुरू होने वाला कोई इंग्लिश वर्ड्स या हिंदी वर्ड से खेलते हैं उसी तरह से वी हैड ए लॉट ऑफ फन और उसमें जो है मैंने हेड एंड सिक्स छुपम छुपाई और अंतराक्षरी से हम लोगों ने बहुत मस्ती किया आफ्टर सम टाइम उसके कुछ देर बाद जो है कुछ बाद दीदी सेठ दीदी ने कहा अस प्ले ए न्यू गेम टुडे आज जो है अब हम लोग कुछ नया गेम खेलेंगे वी हैड प्लेड दिस गेम इन दैंप लास्ट ईयर हम लोगों ने इस गेम को अंतिम साल कैंप साइड में जो है इस इस गेम को खेला था आई विल विकम ए प्लान फेरी मैं इसमें प्लान फेरी रहूँगी द प्लान फेरी विल कॉल आउट ए नेम ऑफ समथिंग प्लान फेरी जो बनती है वो कुछ नाम पुकारती है एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट और जो नाम मैं पुकारूँगी उसे आपको टच करना है द गेम बिगेन अब गेम जो है खेल शुरू हो जाते हैं दीदी सेड दीदी कहती है द प्लान फेरी आस्क यू टू टच ए प्लांट कि प्लांट फेरी जो दीदी बनी है वो कहती है कि मैं तुम्हें जो है एक प्लांट को टच करने बोल रही हूँ एट वंस ऑल द चिल्ड्रेन रेन टू वाट्स द प्लांट अब एक ही बार जो है जब प्लांट फेरी जो है एक बार जब वो बोलती है तो सभी जो है उसमें एक साथ वो दौड़ते हैं प्लांट को टच करने के लिए और प्लान को जब टच करने जाते हैं तो उसमें सभी बच्चे एक साथ आप टच करते हैं कोई अलग अलग प्लांट में एक ही प्लांट में जो है वो टच नहीं किया जाता है सो देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग स्टूडेंट जो है अलग अलग प्लांट को टच कर रहे हैं देखिए हेयर है, अमू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट अमू इज अ गर्ल ये जो है एक मैरीगोल्ड प्लांट को टच की है एंड हेयर शबनम सेट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट ये जैस्मिन प्लांट के को, को जो है वो टच के सामने जो है टच करके बैठी है एंड यहाँ पर देखिए एक दयानंद दयाराम है कॉट होल्ड नीम ट्री वो नीम ट्री को जो है होल्ड किए हुए पकड़े हुए हैं एंड हेयर माइकल टच डे मेहंदी बूस और माइकल जो है वो मेहंदी बूस को टच किया हुआ है और दीदी जो है दीदी वास सिटिंग ऑन द ग्रास और दीदी जो है वो ग्रास के ऊपर जो है वो बैठी हुई है तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल चार बच्चे जो है अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और दीदी जो है वो ग्रास के ऊपर बैठी हुई है और वो जो है वो प्लांट फेरी बनी हुई है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्लांट फेरी का क्या रोल है और बाकी बच्चों का क्या रोल है सो so, दीदी सेड वेरी गुड बहुत अच्छा एवरी वन हैज टच ए प्लांट हर कोई जो है प्लांट को टच कर ली है बट टच नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर सभी प्लांट क्या अलग अलग हैं दीदी यू आर ऑल्सो सीटिंग ऑन लिटिल प्लांट से शबनम शबनम ने कहा कि दीदी आप भी तो एक छोटे ग्रास में यानी छोटे प्लांट में बैठे हुए हैं कैंड यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सीटिंग क्या आप इसे गैस कर सकते हैं क्या पता कर सकते हैं कि दीदी जो है वो कौन सा प्लांट के ऊपर बैठी हुई है ओके स्टूडेंट सो आंसर इज दीदी वॉज सीटिंग ऑन द ग्रास दीदी जो है ग्रास के ऊपर बैठी हुई है द गेम स्टार्टेड अगेन फिर शुरू गेम होती है द प्लान फेरी नाउ सेड अ प्लान फेरी जो दीदी बनी हुई है वो कहती है टच ए ट्री विच हैज आदर एक और ए थी ट्री अंक आपको इस बार क्या करना है कि जो सब पेड़ में सबसे जो मोटा होगा या सबसे पतला होगा वैसे पेड़ को जो है वो टच करना है तो आप देखिए यहाँ पर इस पेड़ में क्या है कि सभी बच्चे जो हैं अलग अलग जगह पर टच किए हैं ये तीन बच्चे होल्ड किए हुए हैं ये नीम ट्री को यहाँ पर देखिए एक और ट्री है ये थीन ट्री है और ये थिक ट्री है तो कंडीशन क्या था कि आदर थिक ट्री और थिन ट्री या तो मोटे पेड़ में या पतले पेड़ में टच करना था सो द चिल्ड्रेन रेन अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और थिन ट्रंक्स हैव यू सीन ट्री विथ ए ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन पिक्चर क्या आप इसमें पता कर सकते हैं देख सकते हैं कि कौन सा पेड़ का जो है वो ट्रंग जो है वो ठीक है यस yes. आप देखिए जो नीम ट्री है वो सबसे थिक ट्री है माइकल फॉन्न द गेम वेरी इंटरेस्टिंग माइकल ने पाया कि यह गेम बहुत ही रोचक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है सो ही थाट उसने सोचा हाउ द फेरी वाज लकी यानी कि कितनी फेरी जो है कितनी लकी है कितनी खुश नसीब है सी कुड एवरी वन अराउंड वो केवल ऑर्डर देती है आदेश देती है सभी को नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी मैं भी प्लान फेरी बनना चाहता हूँ सेड माइकल माइकल ने कहा द चिल्ड्रेन लाफ सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे ए बॉय फेरी लड़का क्या वो फेरी हो सकता है परी लड़का हो सकता है क्या दे वे आर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लान फेरी अब क्या क्या जो है प्लांट फ्री जो है एक नया ऑर्डर देते हैं क्या है ऑर्डर माइकल सेड माइकल ने कहा कि गेट मी शम लिप्स क्विकली अब माइकल जो है उन्होंने क्या कहा क्या वो प्लांट फेरी बना हुआ है अब वो कहता है कि आप लोग जो है गेट मी शम लिप्स क्विकली कुछ जो है जल्दी से पत्ते को जो है पे पास जाइए कुछ पत्तों को लाइए बट क्या होना चाहिए कंडीशन रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लिप्स लेकिन तुम्हें जो है पत्ते को नहीं तोड़ना है फ्रॉम द प्लांट्स सेठ दीदी दीदी ने कहा कि पत्ते को नहीं तोड़ना है द चिल्ड्रेन रेन टू कलेक्ट द लिप्स अब सभी बच्चे जो हैं लिप्स को कलेक्ट करने के लिए चले गए विच वेयर लाइंग ऑन द ग्राउंड जो ग्राउंड में जो है वो गिरा हुआ था उसको जो है कलेक्ट करने के लिए चले गए तो डू ऑल द लिप्स हैव सिमिलर कलर सेप्स एंड मार्जिन नो ऑल द लिप्स हैव नॉट सिमिलर कलर सेप एंड मार्जिन सबका अलग अलग देखिए इसमें मार्जिन कलर सेप सबका अलग अलग है सो नाउ नेक्स्ट दयानंद दयाराम सेठ दयाराम ने कहा आई डिड नॉट नो दैट देअर वेयर सो मैनी मैनी टाइप्स ऑफ लिप्स कहा कि आई डिन नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ कि दैट देयर वे सो मेनी टाइप्स ऑफ लिप्स बहुत सारे पत्ते हैं लुक सम आर राउंड कुछ गोल हैं सम आर लॉन्ग कुछ लंबे हैं एंड सम आर ट्राइंगुलर और कुछ जो है वो ट्रैंगर हैं देखिए सबका अलग अलग है अमू सेड अमू ने कहा दे आर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल और कुछ का जो है अलग अलग कलर्स भी है सम आर लाइट ग्रीन कुछ का जो है हल्का ग्रीन है एंड सम आर डार्क ग्रीन कुछ का गहरा ग्रीन है गाढ़ा ग्रीन है एंड सम आर इवेन येलो और कुछ जो है इवेन येलो है रेड है कुछ का कुछ का पर्पल है देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैचेज और उसमें जो है जो व्हाइट पैचेज भी लगा हुआ है बीच बीच में जो है वो बीच बीच में सीरा लगा हुआ है वो देखिए लुक इवेन द मार्जिन ऑफ दिज लिप्स आर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर समा है सीधा मार्जिन है एंड सम अन इन है किसी का अन इन भी है एंड समीज मार्जिन इवेंड लुक लाइक ए सॉक ये आरिक जैसा है किसी का सीधा है एंड सेट सबनम सबनम ने कहा आमू एंड सबनम शॉर्ट एट टूगेदर आमू और सबनम ने जोर से एक साथ चिल्लाया वी आल्सो वान टू बी द प्लान फेरी हम लोगों को भी प्लान फेरी बनना है दीदी सेठ दीदी ने कहा नोट टुडे आज नहीं लेट मी नेक्स्ट संडे आप जो है हम लोग अगले संडे फिर खेलेंगे तो इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ अब ये जो है वो घर जाने का समय है ऑन द वे ऑन द वे बैग दीदी रिसाइटेड ए पोएम फॉर एवरी वन अब लौटने से पहले जो है दीदी ने एक, एक जो है प्लान से रिलेटेड जो है एक पोएम्स रिलीफ से रिलेटेड जो है एक पोयम्स जो है वो सुनाती है जो इस तरह से ये पोएम है तो बच्चों इस तरह से आप जो है ये पोएम जो है इसको लर्न कीजिए और समझिए थैंक यू